बल क्या है? आजीविका के मूलतः चार ही आधार, बुद्धि बल, शारीरिक बल, धन बल और सेवा बल। इन चार बलों के आधार पर ही भारतीय वर्ण व्यवस्था निर्मित हुई थी। धर्म, ज्ञान, विद्या, शिक्षा, तप आदि जिसकी जीविका के आधार है वह ब्राह्मण है, अतः विद्वान होना ही उसका बल है, योग्यता व श्रेष्ठता है। यदि उसके पास ज्ञान ही नहीं तो वह कैसा ब्राह्मण। प्रशासन, युद्ध, पराक्रम, वीरता, शस्त्र शक्ति आदि जिसकी जीविका के आधार है वह क्षत्रिय है। उन्हीं में से जो श्रेष्ठ होगा वह राजा होगा। सेना का सक्षम व बृहद होना ही राजा का बल है। सेना ही ना हो तो राजा भी राजा नहीं रह पाएगा। क्रय विक्रय, व्यापार, वाणिज्य, चातुर्य, उत्पादन, निर्माण आदि जिसकी जीविका के आधार है वही वैश्य है। धन या पूंजी के अभाव में वह उन्नति नहीं कर सकता, अतः धन ही उसका बल है। परंतु समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें पूर्वोक्त तीनों ही प्रकार के बल नहीं होते, किंतु अपाहिज भी नहीं है। वह सेवा तो कर ही सकते हैं, अतः उचित है कि वह पूर्वोक्त तीनों प्रकारों में से किसी प्रकार की जीविका वाले की सेवा करके जीवन यापन करें। ऐसे लोगों को शूद्र कहे गए हैं। इनके पास अन्य कोई बल न होने से सेवा ही उनका बल है। सेवा यदि समर्पण सहित हो तो उसमें इतनी अधिक शक्ति होती है कि वह स्वामी का हृदय जीतकर उससे कृपा, अधिकार, स्नेह, आदर स्वतः प्राप्त करा देती है। इस प्रकार विद्या विहीन ब्राह्मण, सेना विहीन राजा, धन विहीन वैश्य और सेवा विरत शूद्र असक्त ही नहीं अपित उपेक्षणीय भी हो जाते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो ब्राह्मणों के लिए विद्या ही उनका बल है, राजाओं के लिए सेना बल है, व्यापार करने वालों के लिए धन ही उनका बल है और शूद्रों के लिए सेवा ही उनका बल है। अर्थात यदि उपरोक्त के पास अपना अपना बल ना हो तो उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता।